हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है टीजीटी का 2013 का बायोलॉजी का पेपर। अगर आपने पीजीटी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके प्रीवियस ईयर के पीजीटी के पेपर्स को देख सकते हैं। तो आज हम टीजीटी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों के ही जो सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि पीजीटी में बॉटनी अलग होता है और जूलॉजी अलग होता है। तो इसीलिए आपको जूलॉजी के पेपर में जूलॉजी के क्वेश्चन मिले थे और बॉटनी के पेपर में आपको बॉटनी के क्वेश्चन मिले थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं आज का टीजीटी का 2013 का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना भी मत भूलें, जिससे कि वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टीजीटी का 2013 का जीव विज्ञान का पेपर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, 45। नेक्स्ट इज कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, इंडोलिम्फ। अगला प्रश्न है, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, मरुद्भिद में। नेक्स्ट इज यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्प क्रम होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, साइथियम में। नेक्स्ट इज बेलनोग्लोसिस का लार्वा है। बेलनोग्लोसिस का लार्वा है, सही जवाब है इसका ऑप्शन 3, टोर्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट इज पेट्रिफिकेशन इंप्रेशन और कंप्रेशन प्रकार है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 1, जीवाश्म के। अगला प्रश्न, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होती है। सही जवाब ऑप्शन 1, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ऑप्शन 3 राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन 3, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज्यादा लगाव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, TMB। अगला प्रश्न, हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, न्यूरल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 4 कथन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा राइट है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, पत्ती की क्रॉन्च आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूनेरिया के प्रमुख दांत होते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ऑर्थोडोंटस प्रकार के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, गैस्टुलेशन के समय हैंसन्स नोट का निर्माण होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, पक्षियों में। नेक्स्ट इज इनमें से कौन विश्व प्रसिद्ध पुरा वनस्पति शास्त्री हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन 3, प्रोफेसर बीरबल सहानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटा में इलेटर पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन 3, इक्विसीटम। अगला प्रश्न, हेनले लूप पाई जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, ब्रक में। अगला प्रश्न, मलेरिया के नियंत्रण के लिए कौन सी मछली प्रयोग में आती है। सही जवाब ऑप्शन 2, गैम्बोसिया। नेक्स्ट इज प्लास्मिड है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ। अगला प्रश्न, मेंढक के टैडपोल लार्वा में नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता। सही जवाब है ऑप्शन 1, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज लेमार्कवाद का आधार है। सही जवाब ऑप्शन 4, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला प्रश्न, हरित लवक की झिल्ली होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 2, द्विपर्त्य। नेक्स्ट इज मनुष्य में कौन सी कपालित तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन 3, त्रिधारा। नेक्स्ट इज शेक एक अच्छे सूचक हैं, तो शेक एक अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन
सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती है? सही जवाब ऑप्शन फोर, थिसोसाइट्स। नेक्स्ट इज, इनमें से किसमें अलैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, मार्केशिया। नेक्स्ट इज, वी आकार के गुणसूत्र होते हैं? सही जवाब ऑप्शन वन, मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट इज, निम्न में से किसमें मुख्यतः परिमुख दांत पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन ऑप्शन थ्री, मोसेस। नेक्स्ट इज, इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन वन, सूरज की रोशनी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? सही जवाब ऑप्शन फोर, रिक्सिया फ्लूटेंस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, जीवाणु जिनमें एक सिरे पर गुच्छे के कशाम होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री, सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट इज, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, हाइपोटॉक्सिन। अगला प्रश्न, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन थ्री, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट इज, सफेद जंग रोग होता है? सही जवाब है एल्ब्यूगोसे। नेक्स्ट इज, मेंढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री, परिवृद्धि तथा अंतर्वृद्धि द्वारा। नेक्स्ट, खरगोश का गर्भकाल है? सही जवाब 28 से 32 दिन, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट इज, कोशिका विभाजन के दौरान टोपी कोशिका कैप सेल्स बनाती हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, उडोगोनियम में। नेक्स्ट इज, इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री, इक्वासीटम। नेक्स्ट इज, यूरोमेट्रिक्स में अवस्कार द्वारा बांटा होता है? सही जवाब ऑप्शन थ्री, काप्रोडियम, यूरोडियम एवं प्रोक्टोडियम। नेक्स्ट, साबूदाना प्राप्त किया जाता है? सही जवाब ऑप्शन वन, साइकस से। नेक्स्ट इज, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन वन, टुंडक। अगला प्रश्न, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, पिन वर्म का। नेक्स्ट इज, लेग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं? सही जवाब ऑप्शन फोर, दालों का। अगला प्रश्न, कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन टू, यीस्ट। तो ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया है और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया है। तो स्कोलियो डॉन का अंतः कंकाल बना होता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, उपास्थि का। नेक्स्ट इज, आंतरागों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वायत्त। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? सही जवाब ऑप्शन टू, इटाई। तो ये क्वेश्चन भी आपको पीजीटी के पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ही पढ़ें, आप प्रीवियस ईयर के जो पीजीटी के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी ज़रूर पढ़ के जाएँ, उनको भी देख कर ज़रूर जाएँ, क्योंकि उनमें से भी आपको टीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कोशिकांग डिक्टो योसोम नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन फोर, गाल्गी बॉडिस। नेक्स्ट है, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन टू, नाभिकीय अम्ल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, अगेरिकस। नेक्स्ट इज, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन वन, प्रायोन्स। नेक्स्ट इज, फंजिया का साधारण नाम है? सही जवाब कुकुरमुत्ता कोरल, ऑप्शन वन। नेक्स्ट इज, कप के आकार का हरित लवक पाया जाता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन टू, क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट इज, नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, बच्चे देने वाले। नेक्स्ट इज, न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं? सही जवाब ऑप्शन वन, श्वसन में। नेक्स्ट इज, मेंढक में कपाले तंत्रिकाओं की संख्या होती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन टू, 10। नेक्स्ट, जीवाणु भोजी है, जीवाणु भोजी क्या है?
राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न है, ट्रेबेक्यूलेटेड अंतस्त्वचा पाई जाती है। सही जवाब ऑप्शन टू, सिले जिनेला में। नेक्स्ट इज लाल रुधिर कणिकाओं में शुफनर के बिंदु दिखाई देते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, मलेरिया के कारण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रेमिनी कल के हैं, ग्रेमिनी कुल के हैं। सही जवाब है ऑप्शन फोर, जियामेच और ट्रिटिकम वल्गेर। नेक्स्ट, नोस्टॉक एक प्रकार है। सही जवाब है इसका ऑप्शन वन, नील हरित शैवाल का। नेक्स्ट इज, किस पक्षी में पेक्टिन अनुपस्थित होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री, कीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक के दो मुख्य घटक हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीजांड जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक दूसरे सिरे पर होते हैं, कहलाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन वन, आर्थ्रोट्रोपस। नेक्स्ट इज, कीटों के कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक है। सही जवाब है ऑप्शन टू, इग्डाइसोन। नेक्स्ट इज, बोना नर पाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर, उडोगोनियम। नेक्स्ट इज, घोंगे के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन टू, यूपाइरीन। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म में सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए वन, पराग कर्ण। नेक्स्ट इज, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन वन, प्रोफेस वन। नेक्स्ट इज, न्यूमेटिक हड्डियां पाई जाती हैं। सही जवाब है ऑप्शन वन, कबूतर में। नेक्स्ट, वाल्वाकस एक है, वाल्वाकस एक है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, समूही रूप। अगला प्रश्न है, पक्सीनिया से होता है, तो पक्सीनिया से क्या होता है, जंग रोग। ऑप्शन वन। नेक्स्ट है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है। सही जवाब है ऑप्शन थ्री, इकाइनोडर्मस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणु कीयता पाई जाती है। सही जवाब ऑप्शन फोर, सिल्ले जिनेला एवं मार्सिलिया में। नेक्स्ट इज, ब्रायोफाइट्स इस नाम से भी जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन थ्री, पादप जगत के उभयचर। नेक्स्ट इज, सिट्रम कैंकर रोग उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन टू, जेंथोमोनास। नेक्स्ट इज, लिटमस प्राप्त किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन टू, कवक से। अगला प्रश्न है, एनीलिडे का विशिष्ट लक्षण क्या है। सही जवाब है इसका ऑप्शन टू, नेफ्रिडिया। नेक्स्ट इज, पंख के परागकण पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू, पाइनस में। नेक्स्ट इज, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। राइट ऑप्शन भ्रूण पोष, ऑप्शन टू। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। सही जवाब है ऑप्शन वन, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट ऑप्शन ऑप्शन वन, विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर की बनी होती है। नेक्स्ट, शैवाल सहचर्य पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन टू, साइकस की कोरोलाइट जड़ में। नेक्स्ट, जावा मानव का अन्य नाम है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर, वन एवं टू दोनों, मतलब पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस या और होमो इरेक्टस इरेक्टस। नेक्स्ट इज, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। सही जवाब ऑप्शन वन, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट इज, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। सही जवाब ऑप्शन वन, पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट इज, काला आजार फैलता है। सही जवाब ऑप्शन वन, फ्लेबोटमस द्वारा। नेक्स्ट इज, शुक्राणु का परिपक्वन होता है। सही जवाब ऑप्शन वन, इपिडर्मिस में। नेक्स्ट इज, हाथी का दंत विन्यास होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन, 1003/0003। नेक्स्ट इज, कशेरुकी में हृदय स्पंदन होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन टू, मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट इज, रेशम कीट की रेशम ग्रंथियां किसके रूपांतरण है। सही जवाब ऑप्शन थ्री, लार ग्रंथियों की। नेक्स्ट इज, हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती हैं। सही जवाब ऑप्शन फोर, केवल रेखित पेशी। नेक्स्ट इज, किस कीट के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन थ्री, खटमल। नेक्स्ट इज, प्रोटीन निर्माण सतह पर होता है। सही जवाब है ऑप्शन टू, खुरखुर
खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलर निस्पंदन में सामान्यतः नहीं होता। सही जवाब है ऑप्शन फोर एल्ब्यूमीन। नेक्स्ट इज प्रोटोस्टिल पाई जाती है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन लाइकोपोडियम में। नेक्स्ट इज नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती है। सही जवाब ऑप्शन थ्री पीनियल स्पीक्यूल। नेक्स्ट इज मछलियों को युग है। मछलियों का युग है नेक्स्ट जो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर डिवोनियन कल्प। नेक्स्ट इज अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन थ्री पुष्प कली में। नेक्स्ट इज प्राथमिक उपभोक्ता है। सही जवाब ऑप्शन फोर ये सभी। नेक्स्ट इज जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराग कोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन फोर सिंजेनेसियस। नेक्स्ट इज एक्रोसोम बना होता है। सही जवाब है ऑप्शन वन गाल्गी काय का। नेक्स्ट इज साइक्लाप्स किसका द्वितीयक पोषक है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री नहरुवा का। अग्नाशय रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 104 इसका आंसर है ऑप्शन टू सिक्रीटाइन सिक्रीटिन। नेक्स्ट इज जड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं। सही जवाब जो सही आंसर है वो है ऑप्शन टू बेसिलाई। नेक्स्ट इज कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है। यह प्रयोग किसके द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन ऑप्शन थ्री मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन थ्री ल्यूकोसोलिनिया में। नेक्स्ट इज शेक मैसोरोडियम सिपेलोडियम और इसीडियम साधन है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन टू अलैंगिक प्रजनन के। नेक्स्ट इज केंचुए में हृदय होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन टू चार जोड़े। नेक्स्ट इज नियोटिनी पाई जाती है। नियोटिनी पाई जाती है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर एक्सोलोटल में। नेक्स्ट है तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर इन सभी में। नेक्स्ट इज यकृति कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। सही जवाब है ऑप्शन टू मेरेसीडियम। नेक्स्ट इज बेसिडियो कार्पलन काय है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर अगेरिकस का। नेक्स्ट इज सतही विदलन किसका प्रमुख लक्षण है। राइट ऑप्शन ऑप्शन फोर केंद्र पित्त की अंडा। नेक्स्ट इज अमीबा में पोषण कैसा होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन थ्री होलोजॉइक। नेक्स्ट इज प्राणी कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंत कोश के संधि का प्रकार है। सही जवाब ऑप्शन थ्री बंधकाय। नेक्स्ट इज जोनेरी अपरा पाया जाता है। जोनेरी अपरा पाया जाता है एक और दो दोनों में। ऑप्शन थ्री इज द राइट ऑप्शन फर्स्ट मतलब शाकाहारी स्तनियों में भी और मांसाहारी स्तनियों में। इसलिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री दोनों में। नेक्स्ट इज दो स्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन वन एम्फियोक्सिस में। नेक्स्ट इज चिलगोजा पाया जाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थ्री पाइनस जिरेल्डियाना में। नेक्स्ट इज अर्धसूत्री विभाजन में समसाच गुणसूत्रों की जोड़ी बनाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन टू जायगोटीना अवस्था में। नेक्स्ट इज अंडोत्सर्ग के बाद हॉर्मोन्स का श्रावण करने वाली संरचना है। सही जवाब है ऑप्शन फोर कार्पस ल्यूटियस ल्यूटियम। नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन अपने किस खोज के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन टू केंद्रक। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल की को शोषित कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन फोर आर्किड। अगला प्रश्न है किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन वन हिप्पोकैम्पस मछली में। नेक्स्ट इज बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है तो वह होता है ऑप्शन थ्री वैसोप्रेसिन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे इस पेपर के जो टीजीटी का पेपर था उसके 125 क्वेश्चन। तो बहुत से क्वेश्चन आपके आते होंगे आपको आंसर बहुत इजी होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे उनके आंसर्स भी टफ होंगे। तो आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं आप लोग अपने
को पता चल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर के साथ। बाय बाय।